इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल शेयर के बारे में। जहां पर दोस्तों अगर हम देखेंगे यहां पे अगले ट्रेडिंग सीजन के लिए लेवल्स क्या बन रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है एक करके। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो करना मत भूलिएगा। शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे तो शेयर अभी जो ट्रेड कर रहा है आप देखेंगे यहाँ पे 4390 रुपये का प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है अभी टाइम में। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 0.50% की तेजी में क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। पिछले 5 दिन में कुछ इतना का गिरावट 0.38%, पिछले 1 महीने में अगर हम बात करेंगे तो 5.73% की गिरावट, पिछले 6 महीने में 23% से ऊपर की तेजी नज़र आया है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो लगातार परफॉर्मेंस वहीं चल रहा है, गिरावट फिर एक पुल बैक फिर गिरावट और नया लो बना रहा है, फिर एक पुल बैक आ रहा है, फिर थोड़ा सा गिरावट होकर फिर ऊपर जा रहा है, फिर गिरावट हो रहा है, एक नया लो बना रहा है, तो ऐसे करके लगातार। अब ये ट्रेंड अगर ये अपसाइड का चेंज हो जाता है तो काफ़ी अच्छी रहे, मतलब काफ़ी अच्छी बात होगी। अगर ये ट्रेंड चेंज हो जाता है तो एक अच्छा तेज़ी हमें दिखने मिलेगा आने वाले टाइम में। फिलहाल अभी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो शेयर में जो परफॉर्मेंस लगातार हमें दिखने में मिल रहा है, देखिए मेन बात ये है कि जब भी शेयर यहाँ पे तेज़ी हुआ था, अगर देखा जाए यहाँ पे जब भी यहाँ पे शेयर में काफ़ी अच्छा तेज़ी लगातार हो रहा था पिछले 2021 से या फिर उसके पहले से ही अगर हम बात करें, तो उसके बाद कभी इतना बड़ा गिरावट नहीं आया है। आप देखेंगे कभी इतना बड़ा गिरावट एकदम से नहीं देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब इतना ज़्यादा तेज़ी लगातार तीन साल से या फिर कह लो 4 साल से लगातार तेज़ी हो रहा है शेयर में। कोई थोड़ा थोड़ा गिरावट होने के बाद फिर तेज़ी हो जा रहा है, फिर छोटा गिरावट होने के बाद फिर तेज़ी हो जा रहा है, तो एक बड़ी गिरावट अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिला था अगर देखा जाए तो यहाँ पे। और वही चीज़ यहाँ पे अभी के टाइम में देखने को मिला है कि एक बड़ा कह सकते हो कि करेक्शन यहाँ पे आया हुआ है इस बार। अब हमेशा सालों साल तो तेज़ी यहाँ पे किसी स्टॉक में यहाँ पे रह नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो सालों साल तो तेज़ी किसी स्टॉक में यहाँ पे रह नहीं सकता, तो फिलहाल अभी के टाइम में ये हमें जो भी यहाँ पे एक एक करके जो भी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में थोड़ा और कुछ यहाँ पे जान लेते हैं। अब बाकी देखिए किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलना है कि कहीं ना कहीं आपको टॉप अपने हाईएस्ट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब ये शेयर 4500 और फिर 5000 नीचे ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे, तो कि किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये चीज़ देखना है कि कंपनी यहाँ पे अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है या फिर मतलब कि थोड़ा करेक्शन में मिल रहा है, और करेक्शन में भी मिल रहा है तो करेक्शन का वजह क्या है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट लगातार डाउन होता है तो मतलब कह सकते हो करेक्शन हो जाता है, तो जब तक रिजल्ट अच्छा ना आए तब तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना वो भी रिस्क वाला जोन होता है कहीं ना कहीं देखा जाता है यहाँ पे। अब इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो किसी भी देखिए अब चलती हुई ट्रेंड में आप चढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर वहाँ पर रिस्क तो है ही। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ऑलरेडी शेयर काफ़ी मतलब कितने 100% का रिटर्न दे चुका था पिछले 5 साल में भी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लगभग 1100% से भी ऊपर का रिटर्न है। तो काफ़ी यहाँ पे स्टॉक भाग चुका था इस बार दोस्तों। यहाँ पे गिरावट कभी भी होता लेकिन होता, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर गिरावट आया तो कभी भी यहाँ पे करेक्शन आएगा आएगा। अब तेज़ी कितना दिन तक रहेगा वो कोई नहीं जानता है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने में मिला, तेज़ी हुआ 5500 के भी ऊपर गया, 5600 के भी ऊपर गया, और उसके बाद यहाँ से गिरावट स्टार्ट हुआ और आज के टाइम में देख लो 4390 के पे ट्रेड कर रहा है, 4200-4100 पे भी आ चुका है फिलहाल। तो ये चीज़ हमने लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी चीज़ें एक एक करके हमें देखने को मिल रहा है, आज की परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे तो 39% से भी ऊपर डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिला, मतलब जितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ इतना बाइंग देखने को मिला डिलीवरी में, जो भी आप देखेंगे डिलीवरेबल परसेंटेज हमें देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो यहाँ पे वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो को पढ़ लास्ट तक आप देखते रहिए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र अगर हम बात करें यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट का, तो देखिए अब 33% लोग कह रहे हैं सेल और 67% लोग कह रहे हैं होल्ड। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है, मतलब यहाँ पे जो भी मनी कंट्रोल के यूज़र्स हैं उनके मतलब उनका कह सकते हो कि कम्युनिटी सेंटीमेंट जो भी यहाँ पे है मतलब उनका क्या राय है स्टॉक के ऊपर। आप खुद अपना राय जाके यहाँ पे बाई सेल या फिर होल्ड में क्लिक करके आप अपना राय दे सकते हो यहाँ पे। तो ये कुछ मतलब कमेंट्स वगैरह है और ये कुछ कह सकते हो कि परसेंटेज है अपना जो भी कम्युनिटी का यहाँ पे सेंटीमेंट है क्या है। तो यहाँ पे 33% लोग का कहना है कि सेल कर दो और 67% लोग का कहना है कि होल्ड, बाई का 0% यहाँ पर देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। अब आपका ओपिनियन क्या है शेयर में नीचे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए कंपनी नो डाउट कंपनी यहाँ पे फाइनेंशियली काफ़ी कंपनी मतलब कि अच्छा नज़र आता है आपको, फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है कंपनी का,
ROC और ROE दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी यहाँ पे डेट फ्री है, कंपनी के पास काफ़ी लगभग ऑलमोस्ट डेट फ्री है, पूरा तरह से नहीं, 49 करोड़ कुछ लाख का कंपनी के ऊपर पास कर्ज भी है, बट 20,000 करोड़ से भी ऊपर कंपनी के पास यहाँ पे कैश है ऑलरेडी। तो ये कुछ परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल। अगर हम बात करें कुछ लेवल्स के बारे में, देखिए अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे हम देखते हैं कि अगर ज़्यादा आपको यहाँ पे गिरावट जो है देखने को मिलता है तो यहाँ पे कौन कौन से लेवल यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। तो एक लेवल है जो कि है यहाँ पे कह सकते हो 4120 के आसपास लेवल है, जो कि कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिएगा 4120 का, 4120 के आसपास जो लेवल है यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है हमें। दो बार यहाँ पे इधर सपोर्ट लिया है और पहले भी आई थिंक यहाँ पे हो सकता है कि हमें सपोर्ट होता हुआ दिखे। अभी अगर हम बात करेंगे तो इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो फिर देखते हैं कि नया लो यहाँ पे कहाँ पे बनाता है। देखिए अब मेन बात है कि ब्रेक करेगा या नहीं करेगा इसको तो किसी को पता नहीं है। मार्केट का हाल चाल तो आप खुद देख रहे होंगे कैसा चल रहा है, कभी एकदम से तेजी में रह रहा है, लगातार काफ़ी ऊपर रह रहा है, और उसके बाद लास्ट में एट लास्ट यहाँ पे गिरावट में क्लोजिंग दे रहा है। काफ़ी बार ऐसा हो रहा है कि गिरावट में रह रहा है और एट लास्ट तेजी में क्लोजिंग दे रहा है और कुछ ये परफॉर्मेंस चल रहा है। उसके बाद अगर इसको गिरावट कर मतलब कि यहाँ पे क्लोज कुछ भी कह सकते हो ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड में और भी लेवल्स है, बट देखते हैं आने वाले टाइम में क्या हमें देखने को मिलता है। फिलहाल अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, देखिए वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू RSI अगर देखा जाए यहाँ पे कि क्या हमें देखने को मिल रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अकॉर्डिंग, देखिए RSI अभी कहाँ चल रहा है तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये ब्लू आपको 50.58 अभी देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो ये कुछ परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये आप कह सकते हो कि देखते हैं जब क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिलता है तो फिलहाल क्या हमें देखने को मिलता है। 50 और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। MACD का इंडिकेटर का क्या कहना है उसके बारे में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ MACD। देखिए अब आपका व्यू क्या है स्टॉक के ऊपर, प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बाई सेल या फिर होल्ड या फिर जो भी है। MACD की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, देखिए MACD अभी के टाइम में 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पर नहीं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग पे देखते हैं, जैसे कि 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर देखा जाए तो क्या हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप देखेंगे कि नीचे के लेवल से एक कह सकते हो यहाँ से क्रॉसओवर यहाँ पे हमें देखने को मिला, ये जो ब्लू लाइन है सिग्नल लाइन, सिग्नल लाइन से क्रॉसओवर हमें यहाँ पे देखने को मिला, और इस क्रॉसओवर के बाद कह सकते हो कि एक अच्छा रैली हमें देखने को मिला यहाँ पे। देखेंगे रैली अच्छा आया और उसके बाद अभी के टाइम में देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस फ्लैट टाइप का दिख रहा है। और यहाँ पे MACD का भी आप देखेंगे कि जो सिग्नल लाइन है और जो भी यहाँ पे ये रेड लाइन और ब्लू लाइन आपको दिख रहा है तो वो लगभग यहाँ पे एक रेंज में चलता हुआ नज़र अभी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से गिरावट हुआ तो फिर यहाँ से अगर इसका ब्रेक होगा, ब्लू लाइन अगर रेड लाइन को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर ये बेरिश क्रॉसओवर यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जो हुआ है वो बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ अक्टूबर 7 को, अक्टूबर 8 को यहाँ पे जो हुआ है वो बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे हमें देखने में मिला है, और आज अक्टूबर 9 जो कि आज के दिन जो भी परफॉर्मेंस था आप पे खुद देख ही सकते हो। तो अक्टूबर 8 को जब बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने में मिला उस किस लेवल पे, तो आई थिंक वो लेवल रहा होगा लगभग यहाँ पे 4200 के आसपास, 4220-30 के नीचे ही रहा होगा, और उसके बाद एक रैली आया और 4300 के लेवल से भी ऊपर के लेवल पे आपको शेयर दिख रहा है। अब देखते हैं कि ये रैली कहाँ तक तो रहता है और फिर हमें क्या देखने में मिल रहा है फिलहाल। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो RSI भी 50 से ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक जो है बुलिश ट्रेंड में चल रहा है फिलहाल देखा जाए तो। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू RSI अगर देखा जाए यहाँ पे तो जैसा कि माना जाता है कि 50 से ऊपर यहाँ पे चल रहा है RSI, और यहाँ पे एकदम से ओवरबॉट भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 50-60 के अंदर यहाँ पे अगर आपको दिखने को मिल रहा है फिलहाल, आप देखिए यहाँ पे 50 से ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड में फिलहाल चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस दिखाता है, और 1 आवर का चार्ट फ्रेम पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। बाकी 15 मिनट्स पे भी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्या परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है हमें, तो वो आप देखेंगे कि 50 से ऊपर ही नज़र आ रहा है, थोड़ा सा 50 के आसपास है, 50 से ऊपर थोड़ा सा। तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह सकते हो कि 50 के आसपास नज़र आ रहा है, 50 के ऊपर ही है, तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है आपको अगर देखा जाए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू RSI। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है,
वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।